आरसीए के चुनाव होंगे अब लोकसभा चुनाव के बाद। आरसीए के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं अभी धनंजय सिंह खिमसर। आरसीए अध्यक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए आग्रह किया था पूर्व सीईसी सुनील अरोड़ा से। पूर्व सीईसी सुनील अरोड़ा ने ₹1 मानदेय पर चुनाव कराने के लिए सहमति भी दी थी। इसके बाद सुनील अरोड़ा ने आरसीए को चुनाव आयोग से क्लियरेंस के लिए दी थी सलाह। चुनाव आचार संहिता के संबंध में क्लियरेंस लेने की सलाह दी। इस पर आज मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने आरसीए को सूचित किया कि इन चुनावों में राजनीतिक व्यक्तियों की भी भूमिका हो सकती है, इसलिए लोकसभा चुनाव तक आरसीए चुनाव टाले जाएं। ऐसे में अब आरसीए के चुनाव होंगे लोकसभा चुनावों के बाद। तो आरसीए के चुनाव होंगे अब लोकसभा चुनावों के बाद, और उसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल आरसीए के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं अभी धनंजय सिंह खिमसर। आरसीए अध्यक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए आग्रह किया गया था पूर्व सीईसी सुनील अरोड़ा से। पूर्व सीईसी सुनील अरोड़ा ने ₹1 मानदेय पर चुनाव कराने के लिए सहमति दी थी। इसके बाद सुनील अरोड़ा ने आरसीए को चुनाव आयोग से क्लियरेंस के लिए सलाह दी। चुनाव आचार संहिता के संबंध में क्लियरेंस लेने की सलाह दी। इस पर आज मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने आरसीए को सूचित किया कि इन चुनाव में राजनीतिक व्यक्तियों की हो सकती है भूमिका, और इसलिए लोकसभा चुनाव तक आरसीए चुनाव टाले जाएं। ऐसे में अब आरसीए के चुनाव होंगे लोकसभा चुनाव के बाद।